इंतजाम भाई, बाबर को लेकर पहले भी आकिब जावेद कह चुके हैं कि हम जब वो कराची किंग में होते थे तो हम उनको आउट नहीं करते थे, तो क्योंकि वो स्लो खेलते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप 20 ओवर खेलते हैं, बाबर 100 भी नहीं बनाते, तो फिर आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है, या फिर उनकी बैटिंग को लेकर क्या कहेंगे? उनकी कप्तानी में कुछ जीता नहीं है। बाबर तो सारी दुनिया से नहीं आउट हो रहा, तो इसका क्या करें? क्योंकि जी वो तो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि जी T20 में नंबर वन प्लेयर है, और देखिए कि हमने लिया है कि जिस रोल में हम चाहते हैं, क्योंकि जी जलमी आलो ने जिस रोल में देखा है, तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जलमी की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इंजाम, आप खुद भी कैप्टन रहे और एक अजीम बल्लेबाज थे, बाबर आजम का साथ है पेशावर जलमी को, बाबर आजम को लेके, क्योंकि पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन है, बड़े इंपॉर्टेंट हमारा बैकबोन है, उनकी कुछ वीकनेस है जिस तरह गुगली को लेके या लेग स्पिनर को लेके बहुत बात की जाती है, इस हवाले से कैप्टनसी के हवाले से बहुत बात की जाती है, आपका जब वो जलमी में होंगे तो आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो आप कौन से एरियाज ऐसे समझते हैं जो आप एड्रेस करना चाहेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि बाबर आजम, सारों को पता है कि इस टाइम हर फॉर्मेट का नंबर वन प्लेयर है और टॉप प्लेयर है, और देखेंगे ये छोटी मोटी चीज़ें, कमज़ोरी वगैरह ना, ये आपके कैरियर के एंड तक भी चलती रहती हैं, कभी भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, सीखने का अमल है ना, हमेशा रहता है, खामियां इंसान में हमेशा रहती हैं, क्योंकि जी आप बेहतर, लेकिन जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, डे बाई डे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है, तो अभी यहाँ भी आएगा तो इंशाल्लाह खेलेगा, तो जलमी के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, बाबर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा, तो मैं भी उसके साथ काम करूंगा, मेरे लिए भी बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा ये वाला। जी भाई, एग्जीबिशन मैच हुआ, एग्जीबिशन मैच में वहाब रियाज ने 6 छक्के खा लिए इफ्तिखार की, तो पर्सनली आपने कितना एंजॉय किया उस नॉक को जो इफ्तिखार का था, और उसके बाद बॉलिंग लाइन पर आप लोगों की काफ़ी बात हो रही है कि इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है खासकर पेस अटैक में, तो उसको किस तरीके से कोप अप करेंगे? देखिए, ये किसी को लग गए, किसी को मार दिए, कोई ना कह के मार सकता है, ना किसी को लग सकते, ये वन से ब्लू मून हो जाती है इस तरह की चीज़, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को बिल्कुल भी हमारे जहन में भी नहीं है, और जो हमने कम्बिनेशन बनाया था अपना जलमी का, वो हमारे पास है, हम कॉन्फिडेंट हैं अपने कम्बिनेशन पे, क्योंकि जी ये तो ग्राउंड में जाके पता चलेगा कि जी हर एक टीम ने अपना कम्बिनेशन बना रखा है तो उसके साथ खेलेंगे, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे इस तरह की कि हमें कोई प्रॉब्लम है। लास्ट टू क्वेश्चन मुजम्मिल और एनजी भाई, आप वैसे तो सदर हैं लेकिन आप एक बेहतरीन बैट्समैन थे अपने वक्त के, और आपने उस वक्त पे तेज़ क्रिकेट खेली थी जब T20 का दौर नहीं होता था, तो ये 3-4 नए लड़के हैं, हारिस है, साइम है, हसीबुल्ला है और हारिस सुहेल, तो इनको कैसे तैयार करना है क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना डाउन? देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त काम होता है, क्योंकि जी आप किसी जूनियर्स के साथ काम करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जितने भी लड़के मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि जी मैं इनके साथ काम करूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं इनके साथ पास करूँ, और जो आजकल की रिक्वायरमेंट है कि उसके हिसाब से ये क्रिकेट खेलना शुरू करें, तो ये उन लड़कों के लिए भी होगा, लेकिन मेरे लिए ख़ुद भी एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं इस चीज़ को ख़ुद भी इंजॉय करता हूँ, तो इंशाल्लाह ये तो बाद में पता चलेगा कि जी मैंने कैसा काम किया। अली, अब आखिरी तमाम भाई सवाल ये है कि एक इंडियन प्लेयर का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपने दौर में जो बेस्ट प्लेयर थे पाकिस्तान के जिन्हें वो आउट नहीं कर पाते थे, उनमें इंजमाम अलग थे, तो ऐसे पाकिस्तान में क्यों नहीं मजीद खिलाड़ी आ रहे जो आपकी तरह आउट ना हो पाएँ और लंबी क्रिकेट खेल पाएँ, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में देखा लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते, ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज अपनाते जा रहे हैं। देखिए, आज है ना, जो हमारा टाइम था ना वो दौर डिफरेंट था, और उस टाइम डिफरेंट क्रिकेट होती थी, आजकल हमें नहीं ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो आउट ना हो, तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो तेज़ खेल सके, जो टीम की रिक्वायरमेंट पे खेल सके, आजकल की जो टेस्ट मैचेस भी है, अभी आपने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की देखे तो 4 किससे ऊपर की एवरेज पे स्कोर हो रहा है, तो हमें थोड़ी सी क्रिकेट चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है कि जो आउट ना हो, हमें ज़रा थोड़ा सा स्कोर तेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिकेट में चेंज होने की ज़रूरत है, और अब उस तरह के प्लेयर्स हैं ना आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज रिक्वायरमेंट नहीं है उस तरह के प्लेयरों की, आज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और उस तरह के प्लेयर आ रहे हैं, कल उस तरह की रिक्वायरमेंट थी तो उस तरह के प्लेयर आ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन मुकद्दम साहब, सर मुझे ये पूछना है आपसे कि पहले भी आप टीकी कोचिंग कर चुके हैं, क्या अब आप भी चाहते हैं कि दोबारा अगर आपको ये ओहदा मिले तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेलेक्टर हेड कोचिंग, बहुत मुश्किल है ये तो, नहीं, एक तो मैंने कोचिंग पहले नहीं कर रखी, और तो ये तो जिस टाइम कोई आएगी तो उस टाइम देखेंगे, अभी तो बनाया है इन्होंने, अभी मैं तो उनको गुड लक कहूँगा कि जो अभी बने हैं
क्योंकि जी कामरान बना है, समी बना है और इफ्तखार है यासिर अमीन। सो इनको गुड लक है कि जी ये अच्छा करेंगे कि जी ये पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं फर्स्ट क्लास का, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इनका। सो ये अल्लाह करेगा कि जी मैं तो नई सिलेक्शन कमेटी को गुड लक कहूँगा कि ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। Thank you.